नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल के 64% मुस्लिम आबादी वाले सागरदिगी में मार्च 2023 में उपचुनाव हुए। टीएमसी हार गई। मुस्लिम बहुल बांगड़ में पंचायत चुनाव हुए। टीएमसी के सामने नई पार्टी आईएसएफ ने 43 सीटें जीत ली। मुस्लिम बहुत बालीगंज में उपचुनाव हुए। टीएमसी जीत तो गई लेकिन मार्जिन 20% कम हो गया। बालीगंज सीट के 7 वार्डों में 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इन नतीजों से निकले संकेत बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। भांगड़ में टीएमसी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने से पहले जीत रही थी, अब वहीं के मुस्लिम वोटर बढ़ गए हैं। 24 साउथ परगना जिले के भांगड़ में घूमने पर पता चला कि बड़ी संख्या में लोग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ से जुड़ रहे हैं। कुछ नौजवानों से पूछे जाने पर कि अब तक टीएमसी के साथ थे, अब साथ क्यों छोड़ रहे हैं, वे बोले टीएमसी ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। ये बातचीत पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के पहले हुई थी। लोगों की नाराजगी नतीजों में भी नजर आई। भांगड़ के ब्लॉक 1 में तो टीएमसी जीती लेकिन ब्लॉक 2 में आईएसएफ ने 132 में से 43 सीटें जीत ली। टीएमसी ने आईसीएफ का प्रभाव रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। दोनों पार्टियों के एग्रेसिव कैंपेन के बीच भांगड़ में नॉमिनेशन के दौरान हिंसा हुई जिसमें 3 लोग मारे गए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।